क्या कम रखा है आज? देखिए, आज हमारे भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष डॉक्टर हर्षल पांडे जी जनपद आगमन हुआ था, और चूंकि अभी नवंबर में भारतीय हिंडौन संघ का निर्वाचन हुआ था जिसमें आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए थे, इससे पूरा आप 8 साल लगातार महासचिव पद पर रहे भारतीय ओलंपिक हैंडबॉल संघ के, तो उनके जनपद प्रथम आगे आज उनका सम्मान समारोह एवं एक खेल पत्रिका स्पोर्ट्स जोन का भी विमोचन कार्य किया गया। उस अवसर पर हमारे समस्त खेलों के सचिव महोदय एवं खेल प्रेमी लोग पंडित जी, आपने अभी मलखम के लिए कहा है, मलखम चूंकि बुंदेलखंड का एक अहम होता है, इसको किस तरीके से मुकाम मिलेगा क्या? देखिए, मलखम जो खेल है बेसिक अमरावती से शुरू हुआ है। अमरावती और मलखम झांसी का एक देशी खेलों में झांसी का माना जाता है। मलखम में कुछ सारे मोटर स्किल्स हैं जो एक स्पोर्ट्स खेल में होते हैं। एक तरह से इसको कहिए कि जिम्नास्टिक की जननी है, मार्शल आर्ट की जननी है। कई ऐसे खेल हैं जो विदेशों में ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन हम अब हिंदुस्तान में हम लोग खेलों के प्रति समर्पित सजग नहीं थे, इस वजह से मलखम के ऊपर, नहीं तो ये मलखम आज इंटरनेशनल खेलों में शुमार रहता, एशियन गेम में रहता, ओलंपिक में इसकी संभावना रहती। मेरा ये ख्याल है कि झांसी इसका गढ़ रहा है। झांसी जो व्यायामशाला है, अमरावती के बाद अगर सबसे प्रसिद्ध व्यायामशाला है तो झांसी की व्यायामशाला मानी जाती है, और झांसी की व्यायामशाला ने बहुत से मलखम के खिलाड़ी दिए। अभी खेलो इंडिया में आया, और ये बॉम्बे में आप जो मटकी फोड़ना वाला देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित है। इसको फिल्मों में बहुत जगह दी है, लेकिन इसको प्रसिद्धि मिल नहीं पाई, उसको वो रिकग्निशन नहीं मिल पाई, जिससे कि इसके खिलाड़ियों को नौकरी वगैरह भी सुविधा मिले। अब चूंकि भारत सरकार ने मलखम को रिकग्नाइज कर दिया है, तो जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, टेनिस, टेबल टेनिस आदि में खिलाड़ियों को नौकरी मिलती है, तो वो सबसे ज़्यादा मलखम में भी नौकरी के द्वार खुल गए। हर विभागों में इसके लिए आपकी भर्ती शुरू हो जाएगी। तो इस मंडल, इस खेल को, चूंकि मैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का स्पोर्ट्स फॉरऑल का एक ड्यूटी मेंबर हूँ, तो मैं उसमें ये प्रस्ताव रखूँगा कि ये हर कंट्री अपने अपने खेलों को वो देती है, बढ़ावा देती है, तो इस मलखम खेल को भी हम अपने देशी खेल के माध्यम से जिस तरह खो खो को लिए हैं उसी तरह मलखम को भी लें और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। ओलंपिक खेल टोक्यो में हो गए, वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीन का इंतजार था, और हमारे समझ से कि हर जगह सिचुएशन लगभग नॉर्मल हो रही है। जो वैक्सीन अभी आपका जनवरी है, हमारा खेल अगस्त जुलाई से शुरू होकर अगस्त में होगा, अभी हमारे पास 6 महीने का टाइम है, हम समझते हैं कि मार्च तक क्लियर हो जाएगा, 1.5 फरवरी मार्च में अनाउंस हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ टोक्यो ओलंपिक, जापान ओलंपिक संघ से वार्ता कर रही है, और वार्ता करके पॉजिटिव, अभी तक तो पॉजिटिव संदेश है कि ओलंपिक होंगे, क्योंकि मैं भी भारतीय ओलंपिक का ट्रेजरर हूँ, इस नाते जो हर प्रोग्राम से अवगत हूँ, तो निश्चित है कि ओलंपिक खेल होंगे। जहाँ तक तैयारी की बात है, तो भारतवर्ष के खिलाड़ियों के लिए भी वही समस्या है जैसे अन्य देशों के खिलाड़ियों के लिए है, तो एक तरह से ये तो महामारी है, इसके आगे किसी का कोई वश नहीं चलता, लेकिन जो तैयारी हमारे खिलाड़ियों को जितनी मिलेगी उतने विदेशियों को मिलेगी, तो थोड़ा समय तो सबको नहीं मिला है, लेकिन इसमें सब लाभान्वित होंगे।